अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको गुड़ और चीनी के बारे में बताएंगे। बाज़ लोग ये ख़्याल करते हैं कि चीनी ही नुकसानदेह है, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि सिर्फ चीनी ही नुकसानदेह नहीं, बल्कि हमारे मंडियों, बाज़ारों और शहरों में बिकने वाला गुड़ और शक्कर भी नुकसानदेह है हमारी सेहत के लिए, हमारी तवानाई के लिए, और ये नुकसानदेह है हमारी इम्यूनिटी के लिए, हमारी कुव्वत मुदाफियत के लिए। और कौन सा तरीका अपनाया जाए कि हम इसकी नुकसानात से अपने आप को, अपनी फैमिली को और अपने अज़ीज़ो अक़ारब को महफूज रख सकें। जो लोग बाज़ार से गुड़ ख़रीदते हैं वो ये सोचते हैं कि उन्होंने अपने आप को चीनी के जो कि केमिकल मुख्तलिफ़ डाल के उसको सफ़ेद रंग किया जाता है और उसमें बहुत से केमिकल्स मिलाकर उन्हें बनाया जाता है, तो वो गुड़ या शक्कर इस्तेमाल करके समझते हैं कि वो चीनी के नुकसानात से, गुड़ खाने की वजह से बच गए। लेकिन ऐसा नहीं है, चीनी में भी बहुत से केमिकल उसके जब वो बनाई जाती है तो उसमें इस्तेमाल होते हैं। बेशक उन्हें फिर बाद में निकालने की भी कोशिश की जाती है। इसी तरह जो गुड़ बाज़ारों में और हमारी मंडियों में और दुकानों में बिकता है, उस गुड़ में भी रंग काट और मीठा सोडा और इस तरह के मुख्तलिफ केमिकल्स डालकर उसको खुशनुमा बनाया जाता है। ये भी हमारे सेहत के लिए नुकसानदेह है, जिस तरह के चीनी हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह है। सबसे पहले तो हमें ये चाहिए कि हम अगर एक साल में एक मन गुड़ या चीनी इस्तेमाल करते हैं तो उसको तीन गुना कम कर दें, यानी उसको हम कम से कम 10 किलो पे ले आएं, तो ये हमारी सेहत के लिए बहुत मुफीद होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से अगर हमने गुड़ या शक्कर ऐसी लेनी है जो कि स्लो पॉइजन यानी रंग काट और मीठे सोडे और दूसरे केमिकल से महफूज हो, तो उसके लिए आपको चाहिए कि ये एक पत कहते हैं उसे, जो गुड़ या शक्कर बनाने के लिए गन्ने का रस निकाल के उसको फिर गर्म किया जाता है और गर्म करने के बाद फिर उसको गुड़ या शक्कर की शक्ल में वो बन जाता है, उसमें से पानी जो है वो भाप बन के उड़ जाता है। तो आप ऐसे करें कि एक पत तकरीबन राउंड अबाउट 18 किलो की होती है, तो उसके लिए आप 50 से 70 ग्राम बरके का ज़ुबान जो कि पंसार के स्टोर से मिल जाता है वो आप ले लें, उसको साफ़ करें और उसको पीस कर पाउडर बना लें और गाँव की तरफ या ऐसे इलाके की तरफ यहाँ पे गुड़ या शक्कर लोग बनाते हैं वहाँ जाकर आप रेट तय कर लें और उसे कहें कि उसमें मीठा सोडा और रंग काट नहीं डालना, सिर्फ पानी में घोल कर ये बरगे गाँव ज़ुबान को ही डालना है। इसके डालने से गुड़ और शक्कर जो आप बनाएंगे वो केमिकल से महफूज हो जाएंगे और गुड़ और शक्कर का जो जिसको मैल कहते हैं, जिससे वो काली सी हो जाती है, वो भी निकल जाएगी और ये आपकी सेहत के लिए नहायत मुफीद होगी और आप तंदुरुस्त और तवाना ज़िंदगी गुजार सकेंगे और आपका फैमिली भी खुशगवार ज़िंदगी से हमकिनार होगा।